तो गाइज आज हम करने वाले हैं स्पिन बॉट की अनबॉक्सिंग। स्पिन बॉट के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। हमारे पास है टाइप सी की केबल, हमारे पास है स्पिन बॉट के फिंगर ग्लव्स जो हम यूज़ करते हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट है जो कि हमारी लाइटनिंग केबल है जो कि हम यूज़ करते हैं आईपैड वगैरह में। तो ये तीन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, आगे चल के आपको दिखेगा। और गाइज आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं या इनके रेटिंग वगैरह देखना चाहते हैं तो आप अमेजन में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर इनकी वेबसाइट है spinbot.co.in करके, आप उसमें भी जाके भी चेक कर सकते हैं, या फिर इनका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देखा, और बाकी जो सारी डिटेल्स है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो गाइज आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं स्पिन बॉट के गेमिंग स्लीव्स की, या आप देख सकते हैं गेमिंग स्लीव्स, और इसको चलो आज अनबॉक्स करके देखते हैं। एक पैकेट खोलते हैं फिलहाल, ये पैकेट ऑफ टू में आता है जब भी आप ऑर्डर करेंगे, और पैकिंग तो काफ़ी तगड़ी करी है इन्होंने, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये स्टिकर है, इसको लगा सकते हो अपने फ़ोन वोन में या फिर अपने सिस्टम में भी लगा सकते हो। उसके बाद ये खोलते हैं, और ये है हमारे जो गेमिंग स्लिप्स हैं, फिंगर स्लिप्स हैं। चलो इसको ओपन करते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक गेमिंग भी चाहिए होगा, गेमिंग फ़ोन या मोबाइल चाहिए होगा, और तो अभी फ़िलहाल देखते हैं COD को खेल के देखते हैं, COD में कैसा एक्सपीरियंस आता है वो देखते हैं। फिलहाल इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं, और हमें यहाँ पे इनका लोगो भी दिखेगा आपको। लोगो तो खैर क्या है, बस थोड़ा डिफाइन कर रखा है स्पिन बॉट करके, SB करके, और काफ़ी कंफर्टेबल है ये जब आप इसको पहनोगे, और फ्रिक्शन। चलो अब एक कोई गेम ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि कई ग्लव्स में होता है कि टच की प्रॉब्लम आती है, बट फिलहाल मेरे को इसमें तो कोई फिलहाल टच की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो गाइस और दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास फास्ट चार्जर लाइटनिंग केबल जो कि आप आईपैड वगैरह आईफोन में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग, और इसके बाद आप इसके फीचर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीडी चार्जर है, ड्यूल ब्रेडेड केबल है, क्रश प्रूफ कनेक्टर्स हैं, और आपके एक्स्ट्रा फ्रीडम 1.5 मीटर लॉन्ग। गाइस 1.5 मीटर लॉन्ग, इसका ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और चलो इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेट भी काफ़ी अच्छा किया है, और ये है, इसमें आपको एक थैंक यू नोट मिलेगा जिसमें आपको क्या एक्सपीरियंस रहा आप स्पिन बॉट को बता सकते हैं, और इसमें उनका हेल्पलाइन नंबर भी है कि इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ इसकी वेबसाइट भी है। तो गाइज एक और प्रोडक्ट है हमारे पास स्पिन बॉट का जो कि आपके टाइप सी की USB केबल, और इसको तो रिसेंटली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, और चलो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ फीचर्स मैं इसके बता दूं तुम्हें, तो इसके भी वही फीचर्स हैं, स्पीडी चार्जर है, और ये भी गाइज 1.5 मीटर लॉन्ग है, और दूसरा इसमें जो आपका क्रश प्रूफ कनेक्टर है एल्यूमिनियम AL मेटल का है, तो काफ़ी अच्छी मजबूती है इसकी, देख सकते हैं आप गाइज, ये इसकी पैकिंग है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, और ये है, इसमें भी गाइज आपको थैंक यू नोट मिल जाएगा, इसमें आप जाके अपना जो रिस्पॉन्स है दे सकते हैं, और ये है गाइस केबल। तो गाइस केबल अगर आप देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। कई इशूज़ होते हैं यहाँ पे जॉइंट में, कई केबल जो होती हैं जो यहाँ से ब्रेकिंग हो जाती हैं, तो यहाँ पे मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे कोई ब्रेकेज होने का चांसेस नहीं है, और आपके जो ये कवरिंग है ये भी एल्यूमिनियम की कवरिंग कर रखी है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने यूज़ किया है मटेरियल्स का। और बाकी तो गाइज मैंने इसको यूज़ करके भी देखा था तो बहुत ही बढ़िया चार्ज कर रहे थे, एकदम टाइप सी की तरह जो होती है प्रॉपर केबल उसका काम कर रही थी। तो गाइज ये थी अनबॉक्सिंग की हमारी फर्स्ट वीडियो, और हमारा फर्स्ट ट्राई था, तो आप जो भी आपका जो भी रिव्यूज होगा आप उसको कमेंट डाउन करिएगा, और ऐसे अगर आपको वीडियोज और अच्छी या और आपको वीडियोज चाहिए तो हम और रिव्यूज वीडियोज बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। जरूर गाइज कमेंट डाउन करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टेक गेमिंग। ओके गाइज थैंक यू।